नमस्कार और आदाब। आज सनी चलिए मार्च के 28 तारीख 28 मार्च के लिए पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। शुरुआत हम करते हैं कोविड 19 के बारे में या कोरोना वायरस के बारे में, जो सभी खबरें रहते हैं हमेशा देश में और विदेश में। तो सूरीनाम देश की ये खबरें हम आपको देना चाहते हैं कोविड 19 ये कोरोना वायरस के बारे में। सरकार ये तय किए है इस हफ्ता ख्रेंस डिस्ट्रिक्ट जो है पहले मरवेन ये बंद करने के वास्ते यहाँ पर एक लॉकडाउन करने के लिए 12 बजे रात से, मतलब 00 यूर से सुबह 6 बजे तक। और ये है जहाँ पर मरवीना सिकन हाउस से अल्बिना से आना और अल्बिना में अंदर जाना ये 12 बजे रात से सुबह 6 बजे तक यातायात के लिए बंद है। सिर्फ जिन लोगों का सेहत का सवाल है, तंदुरुस्ती का सवाल है, मेडिस रेडनन के वास्ते उन लोगों को मौका दिया जाएगा अल्बिना में जाने के लिए या अल्बिना से बाहर आने के वास्ते। ऐसा भी इलाका निकेरी में हुआ है, निकेरी से परामारिबो या परामारिबो से आने के लिए रात में 12 बजे से 00 यूर से सुबह 6 बजे तक ये रास्ते जो है, सड़क जो है बंद रहेगा। यहाँ पर भी एक लॉकडाउन रहेगा। ऐसा कॉलोनल जेरी स्लेनहार जो है NCCR का हमें बताए है, जो कोविड 19 मैनेजमेंट टीम का बागडोर इस वक्त संभाल रहे हैं। इससे पहले डायरेक्टर फेलख है दानियाला फेरा ये बागडोर संभाल रहे थे, लेकिन इनको अब तक इस क्वारंटाइन में रखा गया है। दानियाला फेरा जो डायरेक्टर फेल खैद का है, ये पता चला है कि 8वीं शख्स जिनके पास ये वायरस इस हफ्ता में मिला है, जिनको ये बसमैटिंग है, 8वीं शख्स सूरीनाम देश में, ये फ्रांस अम्बेसडर, फ्रांकरेक का अम्बेसडर जो है अंतवान शोली, और ये फेरा जो है इनसे मिले हैं, इसलिए इनको तर्स क्वारंटाइन में रखा गया है। जब ये पता चला है कि फ्रांकरेक के अम्बेसडर को ये वायरस है, तो ये लोग खोजबीन चालू किए हैं किन लोगों से ये मिले हैं और कहां पर ये गए हैं। ऐसे में जितने लोग इनसे मिले हैं उन लोगों को तर्स क्वारंटाइन में रखा गया है, इन लोगों को घर पर रहना है। और भी बौद्धलांग से साक पर जहाँ पर शोली गए हैं, वहाँ पर बौद्धलांग से साक कुछ वक्त तक बंद था और वहाँ पर लोग ऑनस्मैटिंग शुरू किए हैं, वहाँ पर साफ करना लोग शुरुआत किए हैं। मिनिस्ट्री फॉर बौद्धलांग से साकन के बात हम किए हैं, यहाँ पर ऑनस्मैटिंग जो है ये काफ़ी ज़रूरी था। और ये भी मैं आपको बता दें कि पहला शख्स जिनके पास ये वायरस मिला था, जो बसमैट था, जो बीमार हुआ है, इनके पति के पास भी ये वायरस मिला है। ये सेफ इन द बसमैट पर्सन सूरीनाम देश में, और अंतवान शोली फ्रांकरेक का अम्बेसडर, फ्रांस अम्बेसडर जो है, ये 8वीं शख्स से 8 बसमैट पर्सन है सूरीनाम देश में। वैसे ये भी मैं आपको बता दें कि दो पहले लोग जिनके पास ये वायरस मिला था, इन लोगों का हालात पहले से बेहतर है, हालात सुधर रहा है। अब इन लोगों को ICU इंटेंसिव केयर में नहीं रखा गया है, लेकिन इन लोगों का इलाज जो है चालू है। वैसे पिछले हफ्ता हम आपको बता चुके थे कि बार रेस्टोरेंट्स इत्यादि इन लोगों को सिर्फ मेन नेम सर्विस के वास्ते इजाज़त मिला है, वहाँ पर बैठकर खाना खाना ये बिल्कुल मना है। और ऐसा भी रिक्रियासी ऑर्डर और सेंट्रल मार्ग बारा बाजार के बारे में हम आपको बताए थे कि ये सब जगह बंद किया गया है। अनेक बदरायफन जो है ये सब भी बंद है और बहुत से लोग घर से काम कर रहे हैं, जहाँ तक मुमकिन है लोग घर से काम कर रहे हैं। वैसे इस हफ्ता हम आपको ये भी बता दें क्या हुआ है कि कुछ लोग, जिन लोगों को तर्स क्वारंटाइन में रहना था, ये पता चला है कि ये सब घर से बाहर आई है, सड़क पर आई है, और जब ये पता चला है तो एक ही दम लोग खोजबीन चालू किए हैं कि कहाँ पर लोग गए हैं। NCCR का जो बागडोर संभाल रहे हैं जेरी स्लेनहार्ट और डायरेक्टर फॉल्क्स कुसोंथे का क्लियोपात्रा येसरिन कहते हैं कि जो लोग इन लोगों की बातों पर जो मातृकरण लिया गया है, उन लोगों के लिए जो तर्स क्वारंटाइन में है, लोग इन लोगों की बातों पर गौर नहीं करेगा तो इन लोगों को सजा मिल सकता है। हो सकता है इन लोगों को ओवरहेड्स क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जहाँ पर पहरा डाला जाएगा, बवाकिंग के साथ इन लोगों को ओवरहेड्स क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और ये भी कहा गया है कि इन लोगों को कैद का सजा भी मिल सकता है, इन लोगों के कैद में रखा जा सकता है। जो लोग
उस क्वारंटाइन में रखा गया है। इन लोगों के कलाई पर, इन लोगों के पॉल्स पर एक पॉल्स बंच है, जैसे आप पहचान सकते हैं या जान सकते हैं कि ये सब उस क्वारंटाइन में या क्वारंटाइन में रखा गया है। ऐसा एक चिन्ह इन लोगों के कलाई पर लगाया गया है। सुख को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसी कोविड मैनेजमेंट टीम की तरफ से नहीं था। ये कहा गया है कि रात 8 बजे प्रेसिडेंट देसी बाउतर्श एक बयान देने वाले, एक स्टेटमेंट देने वाले हैं। और ऐसा भी हुआ है, कल सुख के रात में प्रेसिडेंट देसी बाउतर्श टेलीविजन पर आई है कुछ ऐसे बातें जनता के सामने रखने के लिए। प्रेसिडेंट ने कहा है कि एतवार को, कल एतवार 29 मार्च से रात में 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक एक लॉकडाउन आएगा। ये लॉकडाउन परमारिबो हर एक जगह के लिए रहेगा, ना सिर्फ परमारिबो के लिए लेकिन देश भर के लिए ये लॉकडाउन रहेगा कि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़क पर आना बिल्कुल मना है। 10 मिनट से सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, मतलब उन लोगों को इजाज़त रहेगा जो लोग सड़क सेक्टर में काम करते हैं, यानी फिर प्लेसर्स इत्यादि, उन लोगों को इजाज़त मिलेगा। जिन लोगों को शायद उस वक्त काम पर जाना है, ज़रूरी है जाने के लिए, या बस स्टेमिंग्स फॉर केयर के वास्ते, आप लोग सड़क पर जा सकते हैं। बाकी जितने लोग हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 8 बजे रात से एक लॉकडाउन है, आपको सड़क पर आना बिल्कुल मना है। वैसे ये भी प्रेसिडेंट बहुत अच्छे कहे हैं कि एक जगह पर एक साथ 10 लोगों को एक साथ आना, मिलन 10 लोगों का, ये बिल्कुल मना है, इसके लिए इजाज़त नहीं मिलता है। 10 लोग एक साथ मिलकर एकत्र हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा के लिए इजाज़त नहीं है। दयाना के लिए एक 10 मिनट सी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये सब फरखादर करें, लेकिन सोशल डिस्टेंस जो है 2 मीटर का होना चाहिए, मतलब लोगों को 2 मीटर के दूरी पर रहना चाहिए एक दूसरे से। और ये भी कहा गया है कि पेशतर फीस प्रेसिडेंट अश्विन अधीन और फलक्स हैंडल एंड इंडस्ट्री का मिनिस्टर संग, स्टेफन संग ने कहा था कि अभी तक कैसीनोस खुला रहेगा, लेकिन अब प्रेसिडेंट देसी बाउतर्श ने कहा है कि आज सनीचर, आज सुबह 10 बजे से सभी कैसीनोस और सभी जगह जहां पर कंस पेलन जुआ लोग खेलते हैं, ये तमाम जो है यह बंद किया जाएगा, कैसीनोस इत्यादि सभी बंद किया जाएगा। सूरीनाम में मतलब ये है कि एक गदेल्तलिक लॉकडाउन आएगा, एक पार्शियल लॉकडाउन आएगा। और ये हम आपको बता चुके हैं कि प्रेसिडेंट देसी बाउतर्श, इस देश का प्रेसिडेंट जो है, क्या क्या कल रात को अपना स्टेटमेंट में कहे हैं। और भी बातें हम आपको बताना चाहते हैं, वेब कंट्रोल ऑफ वैल्यूटा फरकेयर एंड ट्रांसक्सी कंतोरन का जो सनीचर के सुबह लगभग 5 बजे पंचघर में पास हुआ, इसका खुद क्योरिंग लोग दिए, इसके लिए लोग वोट किए हैं। सोमवार को प्रेसिडेंट देसी बाउतर्श इसका घोषणा किए, इसका अफकोंडहिंग किए है। वैसे बंकन जो है ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट से गुजारिश किए थे ये जो अफकोंडहिंग है रोक देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, या अफकोंडहिंग हुआ है, इसलिए बंकन जो है, सभी जो पार्टिकुलर बंकन है, ये सब इस बात से सहमत नहीं थे और बुध को आधी जून से लोग अपना सभी दरवाज़ा बंद कर दिए। ये पार्टिकुलर बंकन के बाद जो हम करते हैं, यहाँ करेंग बैंक है, द सुरीनामसा बैंक, फिना बैंक, रिपब्लिक बैंक, गोदो और सुरीचेंज बैंक, और इन लोगों के साथ भी दिए हैं फेस, फरेनिंग फॉर इकोनॉमिस्ट इन सुरीनाम, फरेनिंग सुरीनाम्स बिद्रेवस्लीफन, एसोसिएशन फॉर सुरीनाम्स फैब्रिकंटन, ये सब भी सहमत थे बंकन से और इन लोगों का साथ दिए हैं। इन लोगों का सबका ये मानना है कि ये वेट जो अफकोंडहिंग हुआ है, ये नया वेट जो है, इसका बहुत ही बुरा असर होगा जनता पर और सुरीनाम देश के इकोनॉमी पर, इसलिए लोग सहमत थे कि लोग अपना दरवाज़ा बंद किए हैं। कुछ और बद्रैफन है जो अक्सी में गए हैं, ये सब भी अपना दरवाज़ा बंद रखे थे 25 मार्च बीते हुए बुध को, और इसमें फर्नांडस ग्रुप था बकरे को छोड़कर, और भी अलखमेन आनी मशफरेनखिंग, और भी फशेकरिंग स्मार्ट जो है, और भी कुछ दूसरे बद्रैफन दुकान जो है, ये सब 25 मार्च को बंद थे।
सेंट्रल बैंक ऑफ सुरीनाम जो है यहाँ का गवर्नर मॉरिस रूमर जो अभी हाल ही में यहाँ पर बिठाया गया है इस पदवी पर, ये बंकन से बातचीत किए हैं और बंकन ये फैसला किए बीफे से फिर से दरवाज़ा खोलने के लिए जनता की मदद के वास्ते, जनता के सर्विस के वास्ते। लेकिन दे एस बी बंक के साथ कुछ और बातें हुए हैं और बाद में द सुरीनाम से बैंक भी फैसला किए है फिर से अपना दरवाज़ा खोल देने के वास्ते। गवर्नर मॉरिस रूमर ये भी पता चल गया है अब कि ये भी इन्हें भी इतरा से ये नया वेद से, और इस बारे में उन्होंने कहा है कि डेयना से वो बात करने वाले हैं। बंकन को कहा गया है कि बंक वेद और वेत्तु से बंक एंड क्रेडिट वेजन के साथ इनके आधार पर काम करने के वास्ते जब तक सेंट्रल बैंक ऑफ सुरीनाम की तरफ से कोई दूसरा आदेश नहीं आएगा। इस समस्या के बारे में गवर्नर एक खत प्रेसिडेंट देसी बौद्ध को लिखे है, इनको भेजे है, और ये वेद जो है बंक वेद के कहा है ये खत में कि ये नया वेद जो है ये बैंक वेद के खिलाफ है और सेंट्रल बैंक ऑफ सुरीनाम का राय इसमें भी नहीं लिया गया है। बीते हुए बुध के सुबह में 4:30 बजे पुलिस को खबर आई है कि दो लाशें मिला है मार्टिन लूथर किंग वेख में, जहां पर लोग सामान बेचते हैं, जहां खून दस्तेंस इत्यादि है। खोजबीन से पता चला है कि यहां दो वक्तर्स का कत्ल हुआ है, दो लोग जो वहां पर पहरा डाल रहे थे इन लोगों को कत्ल किया गया है। यह इवान डम्बर्ग और आर्मान बैरनस्टेन। खोजबीन के बाद पुलिस को भी एक टिप मिला है, पुलिस एक आदमी 44 साल का गिलेरमो को गिरफ्तार किए हैं। ये जान पहचान है पुलिस का, ये कई बार ऐसा कुछ बेकानूनी कार्य कर चुके हैं, तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार किए हैं और इस मामले में खोजबीन जारी है। दोनों लाशें जो है ये ऑटोप्सी के लिए सेक्सी के लिए पुलिस कब्जे में लिए है। बीफे मार्च के 26 तारीख पंचकर डेयना में 29 अलगमेने स्टेमन वोट के साथ मिलियो राम वेद ये पास हुआ है, यह खुदकर हुआ है। कोअलिटी और अपोसिटी दोनों इसमें अपना मदद दिए हैं, दोनों इस पर काम किए हैं। ये कानून जो है सुरीनाम देश के लिए कहा गया है बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पर सुरीनाम देश के मिलियो यानी वातावरण के वास्ते। एक न चुनाव मिलियो ऑथोरिटेट ये ठहराया जाएगा, जिन्हें ये देखना है कि कोई ये जो भी कदम लोग उठाएंगे ये वेद के खिलाफ, ये कानून के खिलाफ नहीं रहेगा, और ऐसा कोई कदम लोग नहीं उठाए जो ये वेद ये कानून जिसके लिए इजाज़त नहीं देते हैं। ये वेद में लिखा गया है कि बहुत से ऐसे काम जो है इसके लिए मिलियो फरहनिंग की ज़रूरत है, और ऐसा काम जिससे मिलियो यानि वातावरण का ये मैला होगा या इससे नुकसान होगा, मिलियो फरंत रेनिंग होगा, मिलियोई को यानी वातावरण को हानि लोग पहुंचाएंगे, इसके लिए ये वेद जो है इजाज़त नहीं देते हैं, और जो ऑथोरिटी ठहराया जाएगा इसके लिए भी इजाज़त नहीं देंगे। तो इस पर इन लोगों को ख्याल करना है। इस वेद से भी जो इन लोगों पर बुरा असर पड़ेगा, जो इस पर निगाह नहीं डालेंगे, जो इस पर गौर नहीं करेंगे, उन लोगों को बुरा असर पड़ेगा, आप लोगों को एक बूटा मिलेगा। तो जो इसका कानून का उल्लंघन करेगा, यह वेद का उल्लंघन करेगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा या आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, एक बूटा आपको मिल सकता है। पॉलिटिकल पार्टियों जो आने वाले चुनाव 25 तारीख मई में हिस्सा लेने वाले हैं, इन लोगों का रजिस्ट्रेशन से पिछले हफ्ता हुआ है। शनिचर तक लोगों को मौका था सेंट्रल होफ स्टैम ब्यूरो सेहा एस के पास जाकर नाम रजिस्टर करवाने के वास्ते। 20 पॉलिटिकल पार्टियों ट्विन तक पॉलिटिकल पार्टियां जो अपना नाम रजिस्टर करवाए हैं, इसमें से 4 लोगों को इजाज़त नहीं मिला है आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने को। सेंट्रल होफ स्टैम ब्यूरो इन लोगों को इजाज़त नहीं दिए है। इसमें स्त्री है, स्टेम ऑफ योर सेल्फ 21 SU और द नीवा विंट ये 4 पॉलिटिकल पार्टी है जिनको इजाज़त नहीं मिला है आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने को। मायशा न्यूज जो पॉलिटिकल पार्टी स्त्री का है, ये प्रेसिडेंट देसी बौद्ध को एक खत भेजे, एक बसवार शरीफ भेजे, जिसमें वो कहा है कि वो इस फैसला से, सेंट्रल होफ स्टैम ब्यूरो के फैसला से सहमत नहीं है, और ये भी कहा गया है कि ये सब एक पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी स्त्री है, ये सब एक कॉर्ट खदेंग चलाने वाले हैं सेंट्रल होफ स्टैम ब्यूरो पर।
वैसे पार्थियों जिनके सभी कागजात सही थे, ठीक थे, जो ज़रूरी कागजात था, लोग इन दिन किए रजिस्टर करवाने पर अपना नाम, तो इन लोगों को पूरा इजाज़त दी गई है फिर किसी में हिस्सा लेने को। और ये है NDP, फेहा पे, NPS, आबोप, SPR, प्रो, बेप, PL, पालू, दू, हाफीबे, आत्विंतर, ऑप्सू, फेफेदे, SDU और DA91। ये 16 पार्टियों हैं जो हिस्सा ले सकते हैं, जिन्हें ऐसा इजाज़त मिला है आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने को। ये सब तैयारियां शुरुआत कर सकते हैं आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के वास्ते। कैंडिडेट लिस्ट ये अप्रैल के 9 तारीख को इन लोगों को इन दिन करना चाहिए, पेश करना चाहिए। प्रेसिडेंट देसी बाउटेशे का जो रेख्सा है, जो मुकदमा 8 दिसंबर स्ट्रफ प्रोसेस का जो होने वाले थे, 31 तारीख मार्च 31 मार्च को ये जारी होता, ये अब टाल दिया गया है क्योंकि कोई रेख्सा नहीं होता है कोरोना वायरस के सिलसिले में। ये कोई रेख्सा नहीं है, इसी वजह से कोरोना वायरस के वजह से सभी रेख्सा सभी मुकदमा जो है टाल दिया गया है। ये जो रेख्सा प्रेसिडेंट देसी बाउटेशे का जो है, ये 29 तारीख मार्च तक टाल दिया गया है। 29 अप्रैल, माफ करना, मार्च नहीं, लेकिन 29 अप्रैल तक टाल दिया गया है। तब ये देखा जाएगा कि ये जो मुकदमा है जारी होगा या नहीं। होफन यूस्टिची ऐसा कुछ मातरेखलन लिए है COVID-19 के वजह से। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।